Hello and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is Skirpo Faga Nivela. Skirpo Faga Nivela is also known as sugarcane top borer. Skirpo Faga Nivela is a geological name, means scientific name. Sugarcane top borer is a common name. गाइस, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्किर्पो फागा निवेला को सुगर केन टॉप बोरर क्यों कहते हैं. सुगर केन मीन्स होता है गन्ना, टॉप मीन्स होता है ऊपर से, बोरर मीन्स होता है खोखला. मीन्स ये गन्ने को ऊपर से खोखला करते हैं, इसीलिए स्किर्पो फागा निवेला को सुगर केन टॉप बोरर कहते हैं और इसे मोथवी कहते हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर के लिए, तो चलो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं सीरियल वाइज जैसे हमें पेपर में लिखना है. तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टेमैटिक पोजीशन. सिस्टेमैटिक पोजीशन के अंदर हम पढ़ेंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज. इसी सीरीज में फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. आप भी जानते हैं जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मीन्स जितने भी कीट होते हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. क्लास इज इंसेक्टा. ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा. गाइज, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ऑल द बोरर बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. जितने भी बोरर होते हैं वो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं. और स्किर्पो फागा निवेला एक बोरर है, मीन्स ये एक मोथ है. ठीक है, जीनस इज स्किर्पो फागा. स्किर्पो फागा को ट्रिपोरिजा भी कहते हैं. स्पीसीज इज निवेला. ठीक है, सेकेंड मेन पॉइंट है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. तो इसके अंदर देखो, सुगर केन टॉप बोरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड एंड श्रीलंका. सुगर केन टॉप बोरर पूरे भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में, थाईलैंड में और श्रीलंका में पाया जाता है. इन इंडिया इट इज़ मोर प्रेवेलेंट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र. भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और महाराष्ट्र में पाया जाता है. ठीक है, थर्ड मेन पॉइंट है होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे इसका मेन होस्ट प्लांट कौन सा है, यानी कि ये किस पर फीड करता है, किसको खाता है, यानी कि किसको डिस्ट्रॉय करता है. तो इसमें देखो, इट्स मेन होस्ट प्लांट इज सुगर केन. सुगर केन टॉप बोरर का मेन होस्ट प्लांट है सुगर केन, मीन्स गन्ना. नाम से पता चल रहा है ये गन्ने को डैमेज करता है, मीन्स गन्ने पर फीड करता है, गन्ने को खाता है. बट इट आल्सो फीड ऑन सरकंडा, काही, ढाब एसेट्रा. लेकिन ये गन्ने के अलावा सरकंडा यानी कि सरपत पर, काही, काही को हिंदी में कुश कहते हैं और कास कहते हैं, और कुश एक घास होती है, काही पर और ढाब पर भी फीड करते हैं. फोर्थ मेन पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स ये देखने में कैसे होते हैं. तो इसके हर एक पॉइंट को हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है अडल्ट मोथ इज सिल्वरी और क्रीमी वाइट इन कलर. जो अडल्ट मोथ होते हैं वो सिल्वरी और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं. इट हैज़ डार्क ब्लैक आई और इसकी आँखें गहरी काली होती हैं. थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल्स. जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं फीमेल से. इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें, ये अडल्ट फीमेल का स्ट्रक्चर है. अडल्ट फीमेल साइज में बड़े होते हैं मेल से. ठीक है गाइस, जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में फीमेल से. फोर्थ मेन पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन में, फीमेल हैज ए टफ्ट ऑफ ब्राउनिश और रेडिश हेयर एट द टिप ऑफ इट्स एनल सेगमेंट. फीमेल के एनल सेगमेंट के टिप पर भूरे या लाल बालों का एक गुच्छा होता है, आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें. फीमेल के एनल सेगमेंट के टिप पर भूरे या लाल बालों का एक गुच्छा होता है. ये बाल ब्राउन भी हो सकते हैं और रेडिश भी हो सकते हैं. ठीक है,
फिफ्थ मेन पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ स्किर्पोफागा निवेला। गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसकी लाइफ साइकिल नहीं है। मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए मैं इसकी लाइफ साइकिल भी कराऊंगी। तो चलो करते हैं। इट्स लाइफ साइकिल इज कम्प्लीट इन फोर स्टेज। इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट होती है फोर स्टेज में। फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लार्वा मीन्स कैटरपिलर, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ इज अडल्ट। इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें, फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लार्वा मीन्स कैटरपिलर, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ इज अडल्ट। एग चेंज होते हैं लार्वा में मीन्स कैटरपिलर में, लार्वा चेंज होते हैं प्यूपा में एंड प्यूपा चेंज होते हैं अडल्ट में। अब हम वन बाय वन इन चारों स्टेज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल में एग। अडल्ट फीमेल मोथ ले अबाउट 500 एग। अडल्ट फीमेल मोथ लगभग 500 नंबर में एग ले करती हैं इन क्लस्टर ऑफ 30 to 60 एग्स ऑन द लोअर सर्फिस ऑफ द लीफ ऑफ द सुगर केन। एग गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर 30 to 60 के ग्रुप में, ग्रुप को क्लस्टर भी कहते हैं, 30 to 60 के क्लस्टर में लगे होते हैं। इस डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं, अडल्ट फीमेल मोथ लगभग 500 नंबर में एग ले करते हैं। कहाँ पर करते हैं? गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर 30 to 60 के ग्रुप में यानी कि क्लस्टर में लगे होते हैं। आगे देखो, द एग आर कवर्ड विथ ब्राउन हेयर फ्रॉम द एनल टफ्ट ऑफ द फीमेल मोथ। फीमेल मोथ के एनल टफ्ट से अंडे ब्राउन हेयर यानी कि भूरे बालों से ढके होते हैं। एग चेंज इंटू लार्वा मीन्स कैटरपिलर, और एग चेंज होते हैं मीन्स अंडे चेंज होते हैं लार्वा में मीन्स कैटरपिलर में। लाइफ साइकिल में सेकेंड स्टेज है लार्वा मीन्स कैटरपिलर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैटरपिलर क्या होते हैं। तो इसमें देखो, लार्वा ऑफ द टॉप बोरर इज कॉल्ड कैटरपिलर। टॉप बोरर के लार्वा कैटरपिलर कहलाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि जितने भी बोरर होते हैं उनकी लार्वल स्टेज कैटरपिलर कहलाती है। आगे देखो, विच इज अबाउट 2 millimeter इन लेंथ एंड इज ब्लैक हेडेड। जो लगभग 2 millimeter लेंथ में होते हैं और इसकी हेड ब्लैक होती है। द यंग कैटरपिलर्स स्टार्ट बोरिंग इंटू द मिड रिप ऑफ द लीफ। यंग कैटरपिलर्स लीफ यानी कि पत्ती की मिड रिब को खोखला करना शुरू कर देते हैं एंड एंटर्स इंटू द यंग टर्मिनल सूट थ्रू द रोल्ड बेस ऑफ द टॉप लीफ। और ये टॉप लीफ यानी कि ऊपर पत्ती के रोल्ड बेस के माध्यम से यंग टर्मिनल सूट में प्रवेश करते हैं मीन्स उसमें एंटर करते हैं। दे फीड ऑन द ग्रोइंग प्लांट विच रिजल्ट इन टू डेड हर्ट। और ये ग्रोइंग प्लांट यानी कि बढ़ते हुए पौधों पर फीड करते हैं मीन्स उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको डैमेज करते हैं जिससे पौधे डेड हर्ट हो जाते हैं। आफ्टर अंडर गोइंग 5 moults इन 4 to 5 weeks। और इसमें 4 to 5 सप्ताह में 5 moults होते हैं। आफ्टर माउल्टिंग दे बिकम फुली ग्रोन। माउल्टिंग होने के बाद लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। द फुल ग्रोन लार्वा मीन्स कैटरपिलर इज अबाउट 25 to 30 millimeter लॉन्ग, क्रीमी वाइट और येलो इन कलर एंड ब्राउन हेड। पूरी तरह से विकसित लार्वा मीन्स कैटरपिलर 25 to 30 millimeter लंबे होते हैं, क्रीमी वाइट और येलो कलर के होते हैं और इसकी हेड ब्राउन होती है। कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा। कैटरपिलर चेंज होते हैं प्यूपा में। तो नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा लाइफ साइकिल के अंदर। तो प्यूपा में देखो, प्यूपा चेंज इनटू अडल्ट्स इन 10 to 12 days। प्यूपा चेंज होते हैं अडल्ट्स में 10 to 12 दिनों में एंड इट हैज़ एग्जिट होल्स थ्रू विच इट कम आउट। और इसमें एग्जिट होल होते हैं जिसके द्वारा अडल्ट बाहर निकलते हैं।
नेक्स्ट स्टेज है लाइफ साइकिल के अंदर अडल्ट। इसमें देखो लाइफ स्पेन ऑफ द अडल्ट मॉथ इज अबाउट 4 to 5 days। अडल्ट मॉथ की लाइफ स्पेन लगभग 4 से 5 दिनों की होती है एंड इट इज़ कंप्लीटेड 5 to 7 generation इन ए ईयर, और ये एक साल में 5 से 7 generation कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ डैमेज। नेचर ऑफ डैमेज में हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेज डैमेज करती है और किस तरह से करती है। तो इसमें देखो लार्वा मीन्स कैटरपिलर ऑफ द सुगर केन टॉप बोरर इज द मेन डैमेज कॉजिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल। मीन्स सुगर केन टॉप बोरर का लार्वा मीन्स कैटरपिलर मेन डैमेज कॉजिंग स्टेज है लाइफ साइकिल में। इसमें भी हम पढ़े थे, अब हम नेचर ऑफ डैमेज में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से करते हैं ये डैमेज इनको। तो देखो कैटरपिलर्स फीड अपॉन द ग्रोइंग बुड्स एंड बोर अप टू 4 to 5 knots ऑफ द टॉप सूट। कैटरपिलर ग्रोइंग बुड्स यानी कि ग्रोइंग बुड्स को फीड करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और ये टॉप सूट के 4 से 5 knot को भी खोखला करते हैं। खोखला मीन्स उसको बोर करते हैं। आगे देखो देयर मे बी 5% to 30% लॉस ऑफ द यील्ड, जिससे गन्ने की यील्ड यानी कि गन्ने की उपज 5% से लेकर 30% तक नुकसान हो सकता है। द क्वालिटी ऑफ द सुगर इज आल्सो इफेक्टेड, और सुगर यानी कि चीनी की क्वालिटी भी इफेक्टेड होती है। ठीक है, 7th पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 1st पॉइंट है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में 1st पॉइंट है एग्स आर इजली नोटिसिएबल एंड कैन बी हैंड पिकेड एंड डिस्ट्रॉय। अंडे इजली नोटिसिएबल हैं जिससे उन्हें पकड़ कर नष्ट किया जा सकता है। 2nd पॉइंट है इसी के अंदर इन्फेस्टेड सूट शुड बी कट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिस्ट्रॉय। इन्फेस्टेड सूट को ग्राउंड लेवल से काट कर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर है कंट्रोल में केमिकल कंट्रोल, यानी कि हम इसको केमिकल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें देखो 1st केमिकल का नाम है कार्बोफ्यूरोन 3%, क्लोरपाइरीफॉस 10%, फोरेट 10%। तो एवरीवन ये था स्किरपोफागा निवेला मींस सुगर केन टॉप बोरर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।